नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल अरे आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ब्रह्म कुमारी मत का पूरा इतिहास ठीक ठीक। किस प्रकार से ब्रह्म कुमारी मत एक व्यभिचारी संस्था के रूप में आगे बढ़ा, हिंदू धर्म का किस प्रकार से विनाश इसने किया, आज इसकी क्या परिस्थिति, समाज पर क्या प्रभाव है, इन सब विषयों पर मैं खुलकर चर्चा करूंगा। जानता हूं वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि इतने महत्वपूर्ण विषय और जिस टॉपिक पर लेकर आया हूं इस पर यदि ठीक ठीक पूरी जानकारी चाहिए तो विषय तो लंबा होगा ही। ये वीडियो मेरी उस बहन को समर्पित है जिसने 2-3 दिन पहले ही कमेंट बॉक्स में कमेंट डाला था कि भैया मैं ब्रह्म कुमारी मत में जाती थी, मेरे पास तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, आप कृपया करके इस वीडियो को बनाइए ताकि और अन्य युवा बहनें बच जाएं, मैं आपको साक्ष्य दूंगी। तो मेरी वो बहन देख रही हो तो ये वीडियो उनके लिए समर्पित है। दोस्तों ये कोई एक ब्रह्म कुमारी की बात नहीं रहेगी, वीडियो से समझने का भी प्रयत्न कीजिए, बात ब्रह्म कुमारी पर रहेगी लेकिन समझिए चारों ओर, अपनी विस्तृत बुद्धि आप इसमें लगाइए। चाहे रामपाल वाले हो, चाहे राम रहीम वाले हो, चाहे निर्मल बाबा वाले हो, चाहे राधे मां साई मां वाले हो, अथवा ब्रह्म कुमारी वाले हो, अथवा आजकल और भी काफी आ रहे हैं, जितने भी हैं उन सब के विषय में वीडियो है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिससे समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा आसानी से। विषय बड़ी रुचिकर कहानी है, आप सुन करके अपने बच्चों को सुना सकते हैं, अपने आस पड़ोस में रिश्तेदारों को सुना सकते हैं। ये कहानी मैंने अपने पिताजी से बालकपन में सुनी थी लेकिन 150 वर्ष पहले ऋषि दयानंद ने व्यवहार भानु पुस्तक में भी इसका जो है उसमें अपना स्थान दिया है। कहानी में एक लाल भुजक्कड़ है जिसको कुछ नहीं आता था, उसको बहुत ही 500 गांव के इधर उधर के गांव के लोग एक लाल भुजक्कड़ नामक अनपढ़ को बहुत बड़ा पंडित मानते थे, विद्वान मानते थे। एक बार एक गांव से राजा की सवारी निकल गई, हाथी निकल गया वहां से, और हाथी के पैरों के निशान गांव में जब निकल के गया तो वहां पर रह गए। कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, उन्होंने देखा अरे ये किस जीव के यहां पर पैर पड़ गए, वहां पर जंगल आदि नहीं थे, इस प्रकार की चीजें उन्होंने हाथी देखा नहीं था आसपास के गांव में। तो एक कहानी है समझने के लिए बड़ी अच्छी है। तो उस पैर का पता नहीं चला, सभी गांव के लोग इकट्ठे हो गए और सलाह मिलाई कि इस बात का ठीक ठीक समाधान केवल महापंडित लाल भुजक्कड़ ही दे सकते। लाल भुजक्कड़ जी को बुलाया गया, लाल भुजक्कड़ ने बड़े गहनता से उसको देखा और पहले तो वो थोड़े से हंसने लगे और बाद में जो है रोने लगे। तो गांव वालों ने पूछा कि भगवान आप हंसे क्यों और बाद में रोए क्यों। लाल भुजक्कड़ ने जो उत्तर दिया बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर है। लाल भुजक्कड़ ने कहा मैं हंसा इसलिए कि इतने इस प्रश्न का उत्तर, इतना साधारण प्रश्न है इसका कोई उत्तर नहीं जान पाया, लेकिन मैं ही दे सकता हूं इसका वो मुझे प्रसन्नता हुई। तो रोए क्यों, रोआ इसलिए कि जब मैं मर जाऊंगा तो इसका उत्तर, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आएंगे आप लोगों को कौन देगा। तो पूछा तो बताइए कौन निकल के गया, कहा कि यहां से एक हिरण पैरों में चक्की बांध के गया। लाल भुजक्कड़ बूझया और न बूझा कोई, पग में चक्की बांध के कोई हिरण कूदा होए। कि लाल भुजक्कड़ ही बूझ सकता है और कोई नहीं बूझ सकता है, पग में चक्की बांध के किसी जंगली मनुष्य की चक्की पैरों में बांध करके एक हिरण कूदता हुआ निकल गया, उसके निशान है ये। और वहां पर सभी गांव वालों ने लाल भुजक्कड़ की जय जयकार प्रारंभ कर दी, महापंडित महापंडित कहने लगे। कहानी से शिक्षा क्या मिली है, अब विषय पर आते हैं ब्रह्म कुमारी की। कि अंधों में काने राजा इस देश में बहुत हो गए हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो अपना आध्यात्मिक जो है आवरण ओढ़ करके और अपना जो है काम प्रारंभ कर देता। अब सामान्य जनता को बिल्कुल कुछ नहीं आता तो कोई भी 2 श्लोक 5 श्लोक या 2-4 अपनी बातें, अपनी ही एक अवधारणा लेकर के, अपनी एक नई थ्योरी लेकर के धर्म को प्रारंभ कर देता है। उसी के चक्कर में आज सारा समाज फंस गया है और अंधकार का युग आ गया। ये कलयुग और कुछ नहीं है, ये यही तो कलयुग है, इसे ही तो कलयुग कहते हैं। लोग बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी। ये सारा खेल ईसाई मिशनरियों का है क्योंकि उनकी पहले से ही एक फिलोसफी रही है, एक अवधारणा रही है, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल।
ये सिंपल है बहुत ही। पहले शारीरिक रूप से हमें गुलाम बनाया था डिवाइड एंड रूल्स के द्वारा, अब मानसिक रूप से लगभग लगभग गुलामी की ओर हमें धकेल दिया गया। हर व्यक्ति गुरुडंबाद में फंसा हुआ है। डिवाइड एंड रूल सनातन धर्म का एक तरीके से बीज नाश करने का पूरा इन लोगों ने प्लान बनाया हुआ, जिसमें सफल हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ब्रह्म कुमारी का इतिहास जानते हैं थोड़ा सा। 1937 में, उससे पहले बनाई थी वैसे तो, ये एक ओम मंडली बनाई हुई थी, नाम था लेखराज, उसको दादा लेखराज ये लोग बोलते हैं। उन्होंने एक ओम मंडली बनाई थी, आजादी से पहले की बात है इस देश में, जब हम गुलाम थे, करना तो चाहिए था कोई आंदोलन, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए था, लोगों को जागरूक करना चाहिए था, लेकिन उसने एक ओम मंडली बनाई अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए। ओम मंडली बनाई तो एक कराची में बनाई थी, वहां पर लोगों का विरोध हुआ। उस समय आर्य समाज पाखंड का विरोध करता था बहुत बड़े स्तर पर, आर्य समाज की बात दूर दूर तक जाती थी, और अन्य सामान्य जनता ने इकट्ठे होकर के इसका पूरा का पूरा जो वहां पर अपना मठ बनाया हुआ था, अपने स्थान बनाया हुआ था, व्याभिचार का अड्डा बनाया हुआ था, उसको एक्सपोज कर दिया। 1937 में इसको सजा हो गई थी और ओम मंडली समाप्त कर दिया गया था। सजा से छूटा तो इसका जो भगवान बनने का भूत है वो उतर गया था। जैसे ही देश आजाद हुआ, देश को आजाद हुए 6 साल हो गए थे, तो 1953 में ओम मंडली का नाम बदलकर ब्रह्म कुमारी मत कर दिया इन्होंने, और ब्रह्म कुमारी दल को इन्होंने आबू में, राजस्थान माउंट आबू में, वहां पर इस दल को जो है पूरा का पूरा अपना संचालित करने लग गए। एक होटल के रूप में वहां पर इन्होंने खोला, 150 ब्रह्म कुमारियां वहां पर रखी। ब्रह्म कुमारियां अर्थात जो अपने कुछ पति को छोड़कर आ गई थी, किसी की शादी नहीं हुई थी, दादा लेखराज को ही जिन लोगों ने पति मान लिया था, जिन महिलाओं ने, तो श्री कृष्ण का अवतार कह करके, और 16,000 जैसे उनकी पत्नियां थी ऐसे इनको पति मान लिया, ऐसा होता है। तो ये वहां पर आ गए 53 में। 53 के बाद ये मत थोड़ा थोड़ा प्रचारित हुआ और उसने अपनी एक नई फिलोसफी इसमें बनाई। फिलोसफी क्या बनाई कि एक पेड़ है, बहुत बड़ा वृक्ष है, और वो वृक्ष, उसी वृक्ष पे ही सारे कल्प आदि लिखे हुए हैं। उस पर कुछ तस्वीरें इन्होंने अपनी अपनी बनाई हुई, साइड में आप देख भी रहे होंगे, वो उल्टा वृक्ष है, वही सृष्टि का वृक्ष है, वो उल्टा वृक्ष। अब साइंस कितनी बढ़ गई है, वेदों की साइंस टेक्नोलॉजी हमें पहले से ही पता, ऋषि महर्षि यहाँ हुए हैं, सूर्य सिद्धांत यहाँ पर पुस्तक है, भास्कराचार्य की पुस्तक है, आर्यभट्ट की पुस्तकें हैं, सारी की सारी ज्योतिष विज्ञान बहुत उच्ची थी। अब फिर धीरे धीरे फिर से आनी प्रारंभ हुई, तो पता चला ये तो सारा का सारा आकाश मंडल जितना भी है तारों से जो है भरा पड़ा है। यहाँ पर आकाशगंगाएं हैं, हर आकाशगंगा में अनंत सौरमंडल है, हर सौरमंडल में एक ऐसी पृथ्वी है। इनका सारा का सारा सिद्धांत धराशायी हो गया। आज भी इसी प्रकार से लोगों को बरगलाते, महिलाओं को बरगलाते हैं, वो बेचारी दिमाग से थोड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की होती है, उनको आसानी से फंसा लेते हैं। खैर मूल रूप से आते हैं, अभी ये पूरा नहीं हुआ। इनकी मान्यता है कि 4 युग होते हैं, इन्होंने मान लिया 4 युग होते हैं, लेकिन क्या माना कि हर 5,000 वर्ष में एक सतयुग आ जाता है। हर एक युग 1250 वर्ष का होता है, तो 4 युग हो गए 5000 वर्ष के। 5000 वर्ष के बाद 100 वर्ष का आएगा संगम काल, जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा अवतार लेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कौन थे? दादा लेखराज स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा इस युग में, इस संगम काल में बन गए। तो वो इस संगम काल में आए थे। अब सतयुग चल रहा है, अब जो आप बैठे हो, मैं ये वीडियो निकाल रहा हूं, ये ब्रह्म कुमारियों के अनुसार ये सतयुग चल रहा है। अब आप देख लीजिए कितना सतयुग है कितना नहीं है। 1976 के बाद ये सतयुग चल गया था, तो ब्रह्म कुमारियों के अनुसार, तो इसका भी मैं इतिहास बताऊंगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी समझने का प्रयत्न करिए, आसानी से समझ में आने वाली चीजें हैं। तो ये 5000 का संगम काल, 5000 के बाद संगम काल, फिर से वो सतयुग प्रारंभ हो जाता है। इस नए पुराना जो वृक्ष अभी मैंने दिखाया था, उस वृक्ष को उखाड़ता है एक हाथ से, दूसरे हाथ से नया वृक्ष लगा देता है, नई प्योध लगा देता है, और बीच में थोड़ा बहुत समय रहता है वो ब्रह्म लोक में, ब्रह्म कुमारियां जो होती है अपने साथ ब्रह्म लोक में लेकर चला जाता है उनको, जो उनके साथ ब्रह्म कुमारियां होती है उनको ब्रह्म लोक में ले जाता है जब प्रलय करता है। तो ये प्रलय का अभी समय था, तो इसने मूल अवधारणा ये दी थी। और एक पांचों जो चारों युग होते हैं 5000 वर्ष में, एक मनुष्य आत्मा 84 योनियां लेती है, केवल 84 योनियां लेती है 5000 साल में।
तो ये इनकी पूरी थ्योरी है, फंडा है, मैंने बता दिया क्या है क्या नहीं है। एक शिव है जो एक बिंदु है, बिंदु मात्र को शिव कहते हैं, वो शिव ही इस संसार का बनाने वाला है। उसने तीन ब्रह्मा विष्णु और महेश जिसको शंकर कहते हैं बनाए अपना काम देखने के लिए, तुम ये वाला काम देखो, तुम ये एक शिव है, वो शिव ही प्रजापिता ब्रह्मा है जो अब संगम काल में आया था। 1876 में जन्मा था, 15 दिसंबर 1876 में जन्मा था ये, और ये मर गया था जनवरी 1969 में ये मर गया था। तो मरना तो वैसे इसको 76 में था, लेकिन कुछ परमात्मा की पता नहीं क्या हुआ, ये 69 में मर गया, क्योंकि 76 में इसने अपने पुस्तक में बताया था, वो मैं आपको तथ्य दूंगा, 1976 में बताया था कि 1976 में प्रलय मैं करूंगा और नई सृष्टि को प्रारंभ करके सतयुग प्रारंभ करूंगा 1976 में। लेकिन बेचारा कहां, अब इसको अपनी मृत्यु का नहीं पता था, दुनिया का क्या बताएगा, ये 1969 में मर गया, 7 साल पहले ही मर गया, ना प्रलय हुई ना सतयुग चल पाया, अब भी ब्रह्म कुमारी चल रहा है, कितने धड़ल्ले से चल रहा, माताओं बहनों को मूर्ख बनाते हैं। तो इसका सारा का सारा फंडा ये था, एक व्यभिचारी संस्था थी बहुत बड़े पैमाने पर, इसने अपने जो है अड्डे खोले हुए थे, सेक्स के अड्डे खोले हुए थे, जिस पर सजा भी हो गई थी आजादी से पहले, बाद में भी लोगों ने इसकी झंडी उखाड़ी थी कई जगह से, पूरे देश में इसके भी चर्चे हुए थे, फिर ओशो के चर्चे हुए, ओशो वालों ने इनको थोड़ा धीमा कर दिया इसके मरने के बाद, अब पुनः ये देश में फिर से लूट खसोट करना प्रारंभ कर दिया है। ये थोड़ा सा मैंने इसका इतिहास आपको बताया, अब समझने का प्रयत्न करेंगे। इनकी एक धार्मिक पुस्तक है जो प्रचारित प्रसारित की जाती है, और उसका मूल रूप से कहते हैं उसको साप्ताहिक पाठ्यक्रम के अनुसार आती है, साप्ताहिक सत्संग पुस्तक, साप्ताहिक सत्संग पाठ्यक्रम। तो ये इसमें लेखराज जी की बताई हुई जो बातें थी, जो उनके प्रवचन इनके ब्रह्म कुमारियों में दिए गए थे, वो सब इसमें था। एक बात और भूल गया, कोई भी उस समय पर जब लेखराज जीवी थी, कोई भी ब्रह्म कुमारी तब बनती थी जब नग्न अवस्था में जो लेखराज थे, जिसको दादा लेखराज कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, और उनकी पत्नी को देवी सरस्वती का रूप दे दिया है इन लोगों ने, उसको साथ बिठाए रखते हैं तस्वीरों में, तो दादा लेखराज के नग्न अवस्था में उसके ऊपर बैठना होता था। ये पूरी की पूरी संस्था थी। ये कृष्ण का अवतार इनको बताते हैं, कहते हैं हम गीता को मानने वाले हैं, कितने बड़े गीता को मानने वाले हैं वो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा और इनके प्रमाण दूंगा, अपना मेरा कोई प्रमाण नहीं है। तो इनके साप्ताहिक सत्संग की अब मैं पन्ने उड़ेलने प्रारंभ करता हूं, जो दादा लेखराज के द्वारा कहे गए हैं, आप कहीं से भी ला करके आसानी से पढ़ सकते हैं, मेरा कुछ नहीं है, मैं केवल अपना पक्ष रख रहा हूं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो समझ जाएगा, और मैं मानता हूँ थैंक्स भारत परिवार को तो सब पता है, वो समझ जाएंगे, अन्य जो है उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन को इन लोगों के चक्कर में बर्बाद न करें, बच्चियों के जीवन को बचाएं, बहनों के माताओं के जीवन को बचाएं, आध्यात्मिक उनका होता है इस प्रकार के जो है अंधों में काना राजा, जिनको कुछ नहीं पता उनको मूर्ख बनाते हैं। अब इन लोगों ने सतयुग त्रेता युग ये सब युग मान तो लिए हमारे द्वापर और कलयुग, लेकिन उसका काल बदल दिया, अब ना तो कहीं कोई प्रमाण है, कोई प्रमाण की तो बात ही नहीं, इनमें तर्क नहीं होता है, इन मतपंथ संप्रदाय में तर्क से ऊपर श्रद्धा की दृष्टि से देखो ऐसा बना देते हैं। ये एक दो मैं आपको इसमें से प्रश्न आता है दादा लेखराज के विषय में, ये क्या क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इसमें देखिए ये साप्ताहिक सत्संग में कहते हैं, वत्स क्या अब मेरी खातिर भी तुम इस अंतिम जन्म में शेष थोड़े समय के लिए कुल 8 वर्षों के लिए भी पवित्र नहीं रह सकते हो, परंतु अब मैं इस कलयुगी सृष्टि रूपी वैश्यालय 8 वर्ष क्यों कहे थे जानते हो, ये 8 वर्ष उस समय कहे थे 1968 में इसने कहे थे 8 वर्ष, क्योंकि 68 से 8 कितना हुआ 1976, 1976 में प्रलय होनी थी, तो कह रहा 8 वर्ष तो ठीक से रहो मेरे लिए, रहो 8 वर्ष ठीक से, फिर प्रलय कर दूंगा मैं, फिर मैं तुमको अपने साथ जो है धाम परम धाम में लेकर चलूंगा, परंतु अब मैं इस कलयुगी सृष्टि रूपी वैश्यालय से निकल करके, इसको कलयुग की सृष्टि को वैश्यालय इसने कहा, वैश्यालय समझते हो जहां पर वैश्याएं होती हैं, तो अब क्या माना जाए कि इस वैश्यालय इन्होंने कहा, तो जो ब्रह्म कुमारियां हैं क्या वो वैश्याएं हैं सारी, मैं तो नहीं मानता, लेकिन इनकी बात से स्पष्ट है। अब कोई कह देगा तुम समझ गलत, अरे वैश्यालय शब्द प्रयोग किया और ये वैश्यालय चल रहा, तो वैश्यालय में कौन रहता है,
वैश्याएं ही तो रहती है वैश्याल्य में, अन्य कोई नहीं रहता। तो इसको वैश्याल्य कहा ताकि ब्रह्म कुमारियां सोचे अरे ये संसार कुछ नहीं है, ये तो वैश्यावृत्ति कांडा है, ये पति भी हमारा उपभोग करते हैं, सब हमें उपभोग की वस्तु समझते हैं, हम तो कृष्ण की ही दासी रहेंगी, इसीलिए संसार को वैश्याल्य दिखा दिया ताकि वो अपने से जोड़ सके उनको। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आजाने समझ में नहीं आएगा, ये बुद्धिजीवी समाज समझ सकता है, अन्य से समझ में नहीं आएगा। ये बहुत तेज होते हैं, सभी का यही फंडा है। आज भी जो गुरु घंटाल है सब इसी फंडे पर चलते हैं। से निकलकर सतयुगी पावन सृष्टि शिवालय की ओर ले जाने के लिए आया हूं। क्या कह रहा है? इस संसार रूपी वैश्यालय से मैं तुम्हें सतयुगी पावन शिवालय की ओर लेकर जाने आया हूं। महिलाओं को कह रहा है ये कि इस वैश्यालय को छोड़िए, क्या है ये पति, ये तो मर जाएंगे, इनका उपभोग कितने दिनों तक करोगे, मेरे पास आइए, मैं तुम्हें शिवालय की ओर लेकर जाऊंगा। महिलाओं को इस प्रकार से बरगलाते हैं। तो ये इनका आगे आते हैं इसी पुस्तक में, मैं इतनी बातें बता सकता हूं कितनी बताऊं आपको, लेकिन मोटी मोटी तो सबको जाननी चाहिए ताकि आप कहीं भी खड़े होकर प्रमाण इन लोगों को दे सके। देखिए, सृष्टि की के इतिहास की हूबहू हर 5000 वर्ष बाद पुनरावृत्ति हुआ करती है। ये कहां से लिया जानते, अनपढ़ था, ये अनपढ़ था, इसको कुछ पता नहीं था, इसने ये बात ले ली कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इसका अपना अर्थ निकाल लिया, ये पढ़ के ये बात है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसका अपना अर्थ निकाल लिया और कहा हर 5000 वर्ष में, 5000 वर्ष के बाद प्रलय हो जाती है इसके अनुसार, ब्रह्म कुमारी के अनुसार। लेकिन आप देख लीजिए 5154 साल पहले यहां महाभारत हुई थी, प्रलय तो आज तक नहीं हुई, और ये प्रलय से, प्रलय करने से 7 साल पहले ही जो है मर गया बेचारा, प्रलय करनी थी 1976 में, मर गया 69 में, तो प्रलय अभी तक हुई ही नहीं है। अब ब्रह्म कुमारी से पूछना कब प्रलय होने वाली है। तो ये कह रहा हूबहू इतिहास हर 5000 वर्ष में दोहराया जाता है, हूबहू 5000 वर्ष हो गए हैं, क्या कोई श्री कृष्ण आया हूबहू दोहरा, क्या कोई अर्जुन आया हूबहू, हूबहू दोहराया जाता है, पुनरावृत्ति होती है। क्या महाभारत का युद्ध हुआ, क्या कोई श्री राम आया आज से 9 लाख साल पहले, श्री राम जी हुए, क्या कोई आए श्री राम जी, हूबहू दोहराया जाता है, कोई कर्ण ऋषि आए। तो ये सारी की सारी चीजें कितनी जो है गलत, इसमें हूबहू दोहराने की बात इसलिए कही है ताकि लोग इस पर विश्वास कर लें कि संगम काल होता है हर 5000 वर्ष में, और दादा लेखराज आते हैं प्रजापता पिता ब्रह्मा अवतार धारण करके, कृष्ण का अवतार धारण करके ये आते हैं, हर बार आते हैं संगम काल में, तो इसको लोग मान ले, इसीलिए कह दिया हूबहू हर 5000 साल में इतिहास दोहराया जाता है, क्योंकि 5000 साल में प्रलय हो जाती है, यहां प्रलय देखने को ही नहीं मिली है। युगों के काल बता दिए, 1250 वर्ष का एक युग होता है, ये देख लीजिए इनका घर के युग बनाए हैं क्या, कहीं कोई प्रमाण है, युग हमारे लिए शास्त्रों में प्रमाण हमारे में है ही नहीं, तुम्हारा कलयुग जानते हो कितने का होता है, 4,32,000 का, मेरी पिछली वीडियो देखना, द्वापर कितने का होता है, 8,64,000 का, त्रेता 12,96,000 का, और सतयुग 17,28,000 का, चारों युगों को मिला के एक चतुर्युगी बनती है, ऐसी ऐसी 71 चतुर्युग से एक कल्प बनता है, तो एक कल्प नहीं बनता, ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये अभी सातवां मनवंतर चल रहा है, एक मनवंतर बनता है और सातवें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, जिसका कलयुग चल रहा है, कलयुग का 5117 वर्ष चल रहे हैं, अब इतना तुम नहीं सोच पाओगे। खैर आगे आते हैं, श्री कृष्ण जी के बारे में, इन्होंने कृष्ण का अवतार ये हो गए, ये अवतारी है सुदर्शन, तो ये सब हो गए, आगे आते हैं। आगे इसने कहा है कि श्री कृष्ण के विषय में भी बातें आई हैं, अन्य कुमार से भी बातें आई हैं, इनके होटल के विषय में भी जो है बात आई है, होटल क्या है, क्यों है, कैसे है, वो आप समझ रहे होंगे। 84 बार जन्म है ये सारा का सारा, ये जो 84 बार 5000 होता, 1250 होता है, ये इनके जो है साप्ताहिक सत्संग में ही है, आप इसको पढ़ लेना। इनसे पूछोगे ना तुम्हारा धर्म क्या है, तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये ऐसे गुरु घंटाल होते हैं, पूछो पूछना कभी, इसी प्रकार से बताते हैं श्री। तो देखिए, अब काल और महाकाल सर पर खड़ा है, सभी को छोड़कर परम धाम जाना चाहिए,
अब काल और महाकाल सर पर खड़ा, मतलब कि 7-8 साल रह गए, ये लेखराज कहता है। लेखराज ये साप्ताहिक सत्संग में कहता है कि अब काल और महाकाल सर पर खड़ा है और अब सबको जो है सब कुछ छोड़ करके परम धाम जाना चाहिए और वहां जाने के लिए मेरे पास आओ, जो आएगा वो परम धाम जाएगा, नहीं तो ऐसे भटकते रहेंगे। तो इसका तो इसको पता ही नहीं है कि कब काल आएगा कब नहीं आएगा, ये अवधारणा कहां से आई, इसने कैसे ली कि 1976 में सृष्टि की प्रलय होगी, ये भी इसका खुद का नहीं था। 1968 में बहुत सारे सरकारी, मैंने डाटा निकाला कई सारे सरकारी अखबारों में उस समय के और कुछ इतिहास की मेरे पास पुस्तक आ रही थी, उनमें उस समय पर एक कल्पना दौड़ाई गई थी कि 1974 से 1978 के बीच में 4 वर्ष तक महायुद्ध होगा, अमेरिका चीन और रशिया ये युद्ध में शामिल होंगे, इनके अलावा मध्य पूर्व के देशों में इजराइल के साथ सारी की सारी अरब कंट्री जेरूसलम के लिए लड़ेंगी, जेरूसलम को लेने के लिए, क्योंकि जेरूसलम मुस्लिमों के लिए भी पवित्र स्थल है और यहूदियों के लिए भी, आज भी उस पर लड़ाई है, अभी जेरूसलम पर लड़ाई चल रही थी, अमेरिका ने जेरूसलम को ही अपना अपना जो वो है एम्बेसी उसको वहां भेजने के लिए आगे आया, तो इस्लामिक कंट्रियां विरोध में खड़ी होगी, तो इस पर लड़ाई होगी ऐसी भविष्यवाणी की गई थी। इधर भारत और पाकिस्तान लड़ेंगे तो सारा विश्व युद्ध में हो जाएगा और उस समय ये बात आराम से सबने मानी भी, क्योंकि जब ये 1960 से ये बात कहना प्रारंभ किया तो उस समय मात्र 40 वर्ष के अंतराल में ही, 40-45 वर्ष के अंतराल में ही 2 महायुद्ध हो चुके थे, लोग आसानी से समझ गए कि हाँ युद्ध हो सकता है, केवल 40-45 वर्ष में 2 महायुद्ध हो गए तो दादा लेखराज जो कह रहा वो ठीक कह रहा, प्रलय का ही समय चल रहा है, 2 विश्व युद्ध हो चुके, एक दादा लेखराज बता रहे हैं होने वाला है। तो उनकी भविष्यवाणियों को 1968 में इसने बताना प्रारंभ किया था, ये बात पहली बार 1968 में आई है ये बात इसमें, तो 1968 में ये बताना प्रारंभ किया, सबने मान लिया कि अरे ये तो हो सकता है, संभव, ये ठीक कह रहा है, ये संगम काल में आया, ये भगवान का अवतार है, सबने मान लिया। लेकिन वो संगम काल में आने पर और 7 साल से पहले ही मर गया, प्रलय करनी थी 1976 में उसको एक हाथ से, दूसरे हाथ से सतयुग प्रारंभ करना था, लेकिन बेचारा 7 साल पहले मर गया। अब कैसा मतपंत संप्रदाय लेकर के ये ब्रह्म कुमारी आगे बढ़ रही, एक शिवांगी आती है उसके साथ, वो एक ओबेरॉय आता है जो उसके पुश्तैनी परिवार वाले इनसे जुड़े हुए थे, ये सारी चीजें हैं, लेकिन प्रचार कैसे दुष्प्रचार करते हैं, वो शिवानी को लेकर के आस्था चैनल पर आकर बैठ जाता है, इनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, मेरे पास इतनी घटिया घटिया इनकी बातें हैं और सत्य और प्रमाणिक है, कोई ये समझे कि ये, अभी अभी सुबह मैंने वीडियो निकाली थी उसमें पता चल गया था, आध्यात्मिक ईश्वरीय जो ध्यान योग केंद्र था वो सारी की सारी 7-8 ब्रह्म कुमारियां आपने देखी भी होंगी वीडियो में स्पष्ट रूप से, और पिछली 98 में जब वो पकड़ा गया तो ब्रह्म कुमारी ने पुलिस पर हमला बोल दिया था, और लोग ये कहते हैं कि वो अलग है, अलग नहीं है भाई, संगठन ठीक है अलग नाम से उससे बना लिया, लेकिन यही तो होते हाथी के दांत खाने के कुछ दिखाने के कुछ, अब सामान्य जनता को ऐसा नहीं दिखाएंगे, वहीं अलग से दिख जाएंगे, कौन इनके संगठन में आएगा पता नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं लोग, कौन आएगा इनके संगठन में, पर्दे के पीछे जो सच्चाई वो अलग रहती है। महिलाएं कहती अरे अधेड़ उम्र की महिलाओं में ये कुछ भी गलत नहीं करते, नहीं दिखाते, उनको पता भी नहीं लगने देते, युवा लड़कियों को पकड़ते हैं, मैं यूपी कई बार गया हूं, राजस्थान कई बार गया हूं, वहां जाकर के मैंने देखा एक एक कॉलोनी से 20-20 लड़कियों को ये लेकर गए, आज तक वापिस नहीं आ पाई, ले जाते हैं उनको, सुंदर लड़की ऊपर ये अपना पूरा फोकस रखती है, युवा लड़के ऊपर टारगेट होता है इनका, मेस्मेरिज्म दादा लेखराज को आता था, मेस्मेरिज्म एक विद्या है जिसमें एक उच्च विचारों वाला एक बहुत ज्यादा आत्मिक रूप से और बुद्धिक रूप से बलवान व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति पर अपना प्रभाव जमा लेता, उसको मेस्मेरिज्म कहते हैं। राम रहीम, आशाराम, इधर निर्मल बाबा हो, इधर ये ब्रह्म कुमारी वाला दादा लेखराज हो, राधे माई, जितने भी समाज पर लीड कर रहे समाज को आध्यात्मिक क्षेत्र में, ये इस विद्या में माहिर होते हैं, इनको पता है कि कौन सी दुखती रग है जहां पर हाथ रखेंगे तो जनता आसानी से काबू में आ जाएगी, इनको सब पता है, उस पर ही हाथ रखते हैं और लोग फंस जाते हैं, सबको ये बुरा नहीं दिखाते, अब सबके सामने बुरा हो जाए तो कौन इनमें जाएगा, समाज ही थू थू करने लग जाएगा, लेकिन फिर भी कितने दिन तक छुपा रहेगा, सच एक दिन सामने आ जाता है, परमपिता परमात्मा न्यायकारी ही इनका भी होगा, वेद उपनिषद, तो इस संगठन अलग होने से नहीं, ब्रह्म कुमारी इनके साथ ही, वो वही जो अभी दीक्षित पकड़ा गया है विजेंद्र देव दीक्षित, वो इन्हीं का एक प्रोडक्ट था, और ये सारा का सारा ईसाई मिशनरियों का किया हुआ है, फूट डालो राज करो के तहत।
देखिए गीता की आड़ में ये कहते हम गीता को मानते हैं, गीता की आड़ लेते हैं, उनमें एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। इसका सब फायदा उठाते, सब लोग सब अवतार बने घूम रहे, इस्कॉन वालों ने अपने गुरुओं को अवतार बनाया, मैंने इस्कॉन की पोल खोली थी, इतिहास सारा का सारा निकाल दिया था, इन लोगों ने अपना अवतार बना लिया है, घर हर घर में कल्कि अवतार पैदा हो गए हैं, ये सब अपना अपना जो है यहाँ पर इस श्लोक को लेकर, लेकिन गीता की एक भी नहीं मानते, ये ब्रह्म कुमारी वाले गीता की एक भी नहीं मानते। तो इन्होंने तो यहां तक भी कह दिया था कि ये जो है आटे में आप नमक मिला दे बस इतना ही इसमें सत्य है, गीता में अन्य कुछ सत्य नहीं, आटे में नमक मिला दो इतना सत्य है। साप्ताहिक सत्संग पुस्तक मेरी नहीं है भाई, पढ़ लेना जाकर, कोई ये कहे कि हमारी है पुस्तक हाथ में ले रखी है इनसे ले आना, वहां पर ये सारी बातें हैं। एक भी बात यदि इधर से उधर पा जाए तो राहुल आर्य को ढूंढ लेना, यही मिलूंगा मैं, ज्यादा इधर उधर नहीं जाने वाला। गीता की तो इसलिए आड़ ली जाती है क्योंकि इसमें वो किया जाता है, तो अपना उल्लू सीधा करना है बस, इससे ज्यादा और थोड़ी कुछ करना है इनको, गीता की आड़ ले लेते हैं। गीता कुछ मानना नहीं है, गीता के नाम पर ये कहते हैं गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जबकि श्री कृष्ण जी ने कहा इस गीता को पढ़ने से बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा, जीवन में उन्नति हो जाएगी, यहीं से सब कुछ प्राप्त हो सकता है और फिर वेदों की तरफ बढ़ो, ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा था। ये कहते हैं कि एक बार आलिंगन कर ले लेखराज या जिसको ये कहते हैं वो आलिंगन कर ले और उसके बाद उसके शरीर में अपना ज्ञान छोड़ दे। अब शरीर में ज्ञान कैसे छोड़ जाता मैं नहीं जानता, आप अपना आकलन कर लेना, ना मैं कुछ कहना चाहता हूं ज्यादा। अब देखिए रामायण के विषय में क्या कहता है, रामायण के विषय में कहता है ये घोर कलह युग विनाश, ये पुस्तक है इनकी ही रामायण के विषय में, रामायण को ये मानते नहीं, कहते हैं ये तो एक नॉवल है जिसमें 101% मनोमय गपशप डाल दी है। मनोमय गपशप, मनोमय गपशप कहते हैं अपने मन से कुछ भी गपशप बना करके डाल दिया, ऐसा रामायण के विषय में ये लोग कहते हैं, राम को नहीं मानते ये, तो ये ब्रह्म कुमारी वालों की बात है। ये शिवरात्रि बड़ी बनाते हैं, शिव की रात्रि, हिंदू को मूर्ख बनाते हैं, राम को नहीं मानेंगे अन्य, ये शिवरात्रि बनाएंगे क्योंकि शिव जो है उस शिव को एक बिंदु में मानते हैं और उसका अवतार ये लेखराज बन के आ गया था। इधर कृष्ण को भी उसी का एक बाय प्रोडक्ट मानते हैं, कृष्ण का अवतार भी हो गया था वहां, इसलिए हुआ कि उसके द्वारा श्री कृष्ण का नाम लेकर के ये अपना जो है घटिया काम कर सकते हैं। अभी भी सुबह वीडियो निकाली उसमें बता रही थी वो लड़कियां छुड़ाई गई कि 16,000 रानियों का हवाला दे करके अपने आप को कृष्ण बता करके और वो लेखराज और वो सिस्टम बता करके हमारे साथ गलत काम हुआ था। तो राम का इतिहास तो काल्पनिक है ये स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बड़ी ही नुकसानदायक है। अब आते हैं इनकी एक और बात पर, एक बात और बड़ी ही जबरदस्त कहते हैं कि कृष्ण जो है उनसे बाद में राम हुए थे, यदि हुए थे तो कृष्ण पहले हुए और कृष्ण जी हुए हैं सतयुग में। आज तक हमारे हिंदू शास्त्रों में क्या है और इतिहास क्या मिलता है कि कलयुग और द्वापर युग ये दोनों का जो मेल था उस समय पर महाभारत और श्री कृष्ण जी हुए थे और उसके बाद उनके बाद जो है कलयुग प्रारंभ हुआ था, कलयुग में ही द्वापर में हुए थे, कलयुग उनके सामने था। तो ये स्पष्ट रूप से वहां पर हमारे इतिहास में ये कहते हैं सतयुग में श्री कृष्ण जी हुए थे। पूछ लो इनसे कौन सी इतिहास की पुस्तक में कहां से तर्क दोगे, तर्क इनके पास नहीं है। दादा लेखराज का ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान जो उनको ब्रह्म है मतलब उनको प्राप्त हुआ था वो इसमें है। तो ये ऐसे ऐसे लोगों का मैं नहीं मानता, कोई और छोर होता है या क्या है क्या नहीं, और इनमें बहुत सारी जो बातें हैं। अब कोई इनसे पूछे कि मेरे पास इन्होंने कहा श्री कृष्ण जी राम से पहले हुए, राम तो बहुत बाद में हुए यदि हुए हैं तो, वैसे तो इन्होंने कह दिया वो काल्पनिक गपशप है, लेकिन श्री कृष्ण जी सतयुग में हुए हैं और आपके राम को तुम द्वापर में मानते हो तो उनसे पहले हुए, ये सिद्ध किया। खैर आते हैं, त्रेता में मानते हो, राम को त्रेता में कहते हैं, तो आगे आते हैं। तो इसमें एक श्लोक आता है हमारे यहां पर, अध्याय 10 का श्लोक है 31वां पढ़ना, पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में कि मैं पवित्र करने वालों में पवन हूं और मैं शस्त्र उठाने में शस्त्र चलाने में श्री राम हूं। अब दृष्टांत गीता में श्री कृष्ण जी ने दिया, इसका क्या अर्थ है जानते हो, दृष्टांत कहते उदाहरण को, उदाहरण दिया जाता है अपने से पूर्व हुई घटना का,
अब मैं कोई उदाहरण दूंगा तो भविष्य की बात का उदाहरण नहीं दूंगा, मेरे से पहले जो घटना हो चुकी है उसका उदाहरण लेकर के आऊंगा, दृष्टांत जिसको कहते। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि मैं राम के समान हूं शस्त्र में और शुद्ध करने पवित्र करने में पवन के समान हूं। अर्थात श्री राम जी त्रेता में हुए, श्री कृष्ण जी द्वापर में हुए। ये क्या कह रहे हैं? ये गुरु घंटाल नहीं तो क्या है? इनको ज्ञान विज्ञान का एक शब्द नहीं पता। शरीर रचना के बारे में ऐसी ऐसी गप जिनको आप सोचोगे तो कहोगे ये है क्या, ये मनुष्य ही है या कुछ और है, पशु से भी निम्न कोटि के ही। अब मैं कुछ आता हूं जो सभ्य समाज की मेरी मातृशक्ति इनके साथ जुड़ी हुई है, ज्यादा इस विषय को नहीं लेकर जाता, काफी लंबी वीडियो बन गई। सभ्य समाज की मातृशक्ति से हाथ जोड़कर प्रार्थना। ये षड्यंत्र ऐसा होता जो अधेड़ उम्र की मातृशक्ति होती है, जो बूढ़ी होती है उनको ये भगा भी नहीं सकते, वो भी जरूरी होती है, ताकि समाज में प्रचार कौन करेगा, वही तो करेंगे, हमारा बड़ा अच्छा है धर्म, हमारा मत बड़ा अच्छा, वहां ऐसा, वही तो प्रचार करेंगे, वही जो है नौजवान लड़कियों को युवतियों को लाएंगी, उन युवतियों को नौजवान लड़कियों को ये फंसा लेते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को पहचानिए। आज से नहीं चल रहा, आजादी से पहले से चला था, लेकिन ब्रह्म कुमारी दल 1953 में बनाया, केवल 50-60 साल पहले का यह धर्म है। इनका कोई कहीं किसी शास्त्र में नामो निशान नहीं, ये सतयुग की बात बता रहे हैं। 5000 का पूरे के पूरे चारों युग इन्होंने लपेट दिए। संगम काल में दादा लेखराज आ गया, उसने सारी उम्र अश्लीलता हरकत की है, सारे घटिया कर्म उसने किए, उसको पता नहीं कुछ भी, उसको वर्णोच्चारण नहीं आता था शुद्ध, और बताएंगे हमें इस प्रकार का ज्ञान। अर्थात क्या है मेरा कहने का तात्पर्य, यह है कि आज समाज में लोगों को कुछ भी नहीं पता धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में जीरो पता है। तो ये लोग उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और उस लाभ को इस प्रकार से उठाते हैं, ये आत्मिक रूप से इतने सशक्त बन जाते हैं कि सामान्य जनता को इतना मंत्र मुग्ध कर देते हैं, अपनी एक अलग थ्योरी लेकर आगे बढ़ते, बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर साइंटिस्टों को मूर्ख बनाते हैं। किस बल पर? केवल अध्यात्म के बल पर। सभी के सभी अध्यात्म पर चल रहे, योग पर चल रहे। यदि इनके योग को हटा दें, इनकी योग की क्लासेस और अध्यात्म को हटा दें, तो ये जीरो अंडा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि एक घंटा डेढ़ घंटा ब्रेन वॉश करने का जो तरीका है वो योग विद्या है, उसका यदि विद्या का गलत प्रयोग है विनाश की ओर लेकर जाता है। ये शास्त्र कहते हैं ये विद्या का गलत प्रयोग करते, अपनी ओर मोड़ देते, कहते हैं एक शिव है, बिंदु है, दादा लेखराज है, उन पे ध्यान लगाइए। अब 24 घंटे उस पर ध्यान लगेगा, 24 घंटे रामपाल पर ध्यान लगेगा, राम रहीम पर ध्यान लगेगा, उन्होंने कितने ही बलात्कार कर दिए हो, आज जेल में है लेकिन उनके चेले चपाटे वहां पहुंच जाते हैं कि गुरु तो एक बार ही बनाया जाता है, तो भगवान है साक्षात, गलत फंसा दिया गया। ये चल रहा है इस देश में, कब तक चलेगा? ज्ञान विज्ञान के युग में प्रवेश कर गए हैं, सनातन धर्म क्या है भूल गए हैं, कौन राम कौन कृष्ण कुछ लेना देना नहीं है, कौन से वेद कौन से उपनिषद कौन से दर्शन, गीता किसे कहते हैं, गीतोपनिषद पढ़ेंगे हम तो इस कौन वाला, कौन सी रामायण, महाभारत क्या होती है हमें नहीं पता, कोई लेना देना नहीं। महाभारत मत पढ़िए घरों में, झगड़ा हो जाएगा। जिन घरों में महाभारत नहीं पढ़ी जाती उनमें ज्यादा झगड़े हो रहे आज के समय पर, उदाहरण देख लीजिए, हर घर टूट रहा है, इतने गुरु घंटाल बढ़ रहे हैं और धर्म का उतना ही विनाश हो रहा है, क्योंकि गुरु घंटाल ही धर्म का विनाश कर रहे हैं, समस्या ये है। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस प्रकार के घटिया मत पंथ संप्रदायों से बचिए। और ये जो ताकतें लगी हुई मिशनरीज की, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनको बल दे रही, इनको खुद नहीं पता तुम्हें आगे कौन बढ़ा रहा, अपना इनको मजा लेना है बस, तो फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। उसके तहत सनातन धर्म लगभग समाप्ति के कगार पर है। प्रार्थना है हाथ जोड़कर, आने वाले 10-20 वर्ष में कुछ मेहनत पुरुषार्थ आप और हम कर गए तो कुछ 1-2 करोड़ लोगों तक ठीक ठीक विद्या ठीक ठीक बात पहुंचा पाएंगे, उनको पाएंगे, ताकत बना पाएंगे, अन्यथा बहुत ज्यादा विनाश हो सकता है। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार, पुनः प्रार्थना करता हूँ इनसे बचिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, कुछ लोग कह रहे थे राहुल भाई ऐसा हमें सुनने को नहीं मिलता, जो इनमें फंसे हुए होते हैं उनको बहुतों को नहीं पता, मैं जानता हूँ अच्छे व्यक्ति होते हैं, कुछ को इनके षड्यंत्रों का पता ही नहीं होता, कुछ ब्रह्म कुमारी के राम रहीम के कुछ एक ऐसे मठ भी होते हैं जहां इस प्रकार का कोई गंदा या अश्लील क्रियाकलाप नहीं किया जाता,
मैं मानता हूं निश्चित रूप से, लेकिन ये चीजें पर्दे के पीछे होती हैं, ये सामने आकर नहीं हो सकती। कानून भी कुछ चीज है, समाज भी कोई चीज है, ऐसा नहीं हो सकता है कि खुल करके चीज पहले आती थी, पहले तो समक्ष आ जाती थी, अब भी आती है, राम रहीम प्रत्यक्ष उदाहरण है, लेकिन ये पर्दे के पीछे की चीज है। इनके अलग अलग कई संगठन होते हैं, गलत कार्य किसी अन्य व्यक्ति से करवाते हैं, अलग संगठन से करवाते हैं। और मेरा मानना है आप फिल्में तो देखते ही होंगे, फिल्में नहीं देखते क्या? किस प्रकार से वहां पर बुद्धि लगाते, किस प्रकार से षड्यंत्र रचते हैं फिल्में, आप मेरे से ये देखा करिए, उसको समझिए, वो रियल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करते। पुलिस वाला सक्सेस है क्योंकि हर व्यक्ति को श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखता, तर्क की कसौटी पर, सत्य की कसौटी पर खरा उतारने का प्रयत्न करता है। आपसे प्रार्थना है सत्य सनातन वैदिक धर्म की ओर लौटिए। ठीक ठीक अध्यात्म क्या है इसी चैनल पर आपको एक दिन जानने को मिलेगा, उसमें थोड़ा सा समय है, एक बार आप ये समझ जाइए क्या ठीक है क्या गलत है, उसके बाद आपको बताऊंगा ठीक विधि क्या है अध्यात्म की, और अध्यात्म कहते किसे है, वेद क्या है, धर्म क्या, अधर्म क्या, ईश्वर क्या, जीवात्मा क्या, प्रकृति क्या, क्यों आए, कैसे आए, किसने दिए, कब आए, सब बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए और हमारे साथ थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमस्ते जी।